ओके गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो वी टॉप अब हम लोग अगला टॉपिक अपना करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम बताई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, किन किन सिस्टम में हम अपनी फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ेंगे, और जिसमें मैंने मेनली आपको जो सिस्टम बताए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, वो सिस्टम मैं कुछ आपके सामने लिख देता हूँ एक बार फिर से। तो एक SI सिस्टम था जो बहुत रिसेंट है, CGS सिस्टम था, ओके, एंड FPS सिस्टम रिमूव हो चुका है, एंड एक और है MKS। यस, ये चार सिस्टम हमने पढ़े। ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हम लोग जो यूनिट वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो अपने अपने सिस्टम में, एग्जांपल के लिए SI में लेंथ को किस में नोटिस करते हो आप? मीटर में। बट CGS में यही लेंथ जो है सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट होता था, FPS में यही फुट में कह लो या फीट में कह लो, और MKS में मीटर में रिप्रेजेंट होता था। तो जो हमारा रिसेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो SI है। SI के जस्ट पहले कौन चल रहा था? MKS। तो MKS को ही एक्सटेंड करके SI में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो ऑलरेडी MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड चल ही रहे थे, उसमें चार फंडामेंटल यूनिट को और जोड़ करके नया सिस्टम बन गया SI। ओके, ठीक है। तो मेनली जैसे कि आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर एक सिस्टम को क्या मैं दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ? बेशक कर सकते हो, और हम लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए SI सिस्टम में और CGS सिस्टम एग्जांपल के लिए, तो SI सिस्टम में जो आपका लेंथ है वो किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में। SI सिस्टम में जो लेंथ मेज़र किया जाता है वो किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में। और CGS सिस्टम में यही लेंथ किस में मेज़र किया जाता है? सेंटीमीटर में। और आपने क्या देखा है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके पहले भी हमें बिना पता हुए, हमें पता तो नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं ये, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। और हम बहुत बार कन्वर्ट करके आए हैं, और कई सारे फॉर्मूले हमने याद किए हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये भी हमने किया है। वॉट इज दिस? किलोग्राम क्या है? SI है, और ग्राम क्या है? CGS है। तो ऐसी चीज़ें हम कर चुके हैं कन्वर्जन। कल तो यहाँ तक हो गया था, आज है बच्चों, आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो मतलब हम क्या कल क्या क्या सीख करके आए? कल हमने सीखा कि डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फार्मूले हमने बनाने लास्ट क्लास में सीख लिए। डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके डायमेंशंस बनाना हमने लास्ट क्लास में सीखा। अब हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब इतनी ज़्यादा जो हमने डायमेंशन सीख ली ना, उनका इस्तेमाल क्या है, डायमेंशन का इस्तेमाल क्या है। तो क्वेश्चन डालिए बच्चों आज का, राइट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन लिखो, राइट द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन लिखो बच्चों, राइट द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस का पहला इस्तेमाल हम आपको बता रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला यूज है, यूज नंबर वन लिखिए, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। क्या है बच्चों ये? मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप बदल सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। सो यू कैन कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम से अनदर सिस्टम। तो हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं? एक है SI, एक है MKS, एक है CGS और एक है FPS। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बदल सकते हो एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम में। एग्जांपल के लिए SI सिस्टम में 1 किलोग्राम जो होता है,
एमकेएस सिस्टम में किसकी इक्वल होता है, 1 किलोग्राम की। क्यों? क्योंकि एमकेएस में भी के का मतलब किलोग्राम है, बट सीजीएस में ये 1 किलोग्राम कितना बन जाता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, और एफपीएस में आई डोंट नो कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, मुझे याद नहीं इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो एसआई में आपने देखा 1 किलोग्राम जो इतना है। देन अगर बात करूं मैं कि 1 मीटर, 1 मीटर तो 1 मीटर एमकेएस में कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी। 1 मीटर लेंथ 1 मीटर की इक्वल होगी, मगर सीजीएस सिस्टम में ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ करते हैं। 1 मीटर देयर आर 1 मीटर, देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो ये एसआई सिस्टम में क्या देख रहे हैं आप, कन्वर्जन हो रहा है एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। बट अभी सिंपल सिंपल तो आप कर लोगे ना, मैं अगर आपसे पूछूंगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड जो है एमकेएस में भी क्या होगा, एम फॉर मीटर के फॉर किलोग्राम सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा। कोई मुझे बताए 1 मीटर पर सेकेंड सीजीएस में कितना लिखा जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड सीजीएस में कितना होगा, बोलो। बोलो बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड सीजीएस में कितना होगा, यार सीजीएस में कितना होगा, इतना टाइम क्यों लगने वाली बात है भाई। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया आपने 100 में, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया सीजीएस में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ भी बदल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन मतलब ये सिंपल सिंपल है, तो इसमें बता पाना आपको सरल है कि आप एक क्वांटिटी को, सॉरी क्वांटिटी एक ही है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों लिखो, पहला लिखिए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, डैश करके लिखिए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, डैश करके लिखिए, कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी, कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, ये एल है बेटा, वहां पे बी नहीं है, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, ओके। सपोज द यूनिट्स ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम आर M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C एंड M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। चलो ठीक है, मे भी हो सकता भी कुछ बच्चों को यहाँ तक समझ में ना आया हो, ऊपर की डेफिनेशन आई हुई समझ में, बट ये क्या लिखा है ये समझ में नहीं आया। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, अब आपको समझ में आ जाएगा एक्सप्लेन करने के बाद। देखिए क्या है कि आपके पास मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी सपोज Q, तो Q के डायमेंशनल फॉर्मूले मान लो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ये Q का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप जब कन्वर्ट करते हो ना, तो कौन सा रूल लगाओगे बच्चों, बस ये रूल नोट कर लो, n1u1 = n2u2, लिखो n1u1 = n2u2। n1 वन मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और u1 मतलब पहली यूनिट में, पहले सिस्टम में उसका
डायमेंशन फार्मूला लिख दो यूनिट के फॉर्म में, एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी इक्वल टू। सेकेंड डायमेंशन फार्मूला, एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी एंड टी टू की पावर सी। बस ये नोट कर लो, अभी मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिजिक्स में एकदम घबरा नहीं जाया करो, कोई चीज़ थोड़ी समझ में ना आए ना तो बस पूछो और थोड़ा वेट करो, समझ में आएगी। तो क्यू इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। और तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। सो एन वन इज़ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड, यू वन पहली यूनिट है, एम वन का पावर ए, एल वन का पावर बी, टी वन का पावर सी एंड एन टू यू टू सेकेंड यूनिट है, एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी एंड टी टू की पावर सी। डन, लिख लिया इतना। बच्चों लिख लिया? यस सर। ओके, अब चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। लिखिए क्वेश्चन क्या है, लिखिए क्वेश्चन है, लिखो वन न्यूटन इक्वल्स हाउ मैनी डाइन। वन न्यूटन इक्वल्स हाउ मैनी डाइन। अब ये जो मैंने बताया ना ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी तक मे बी समझ में ना आया हो बट अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वन न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स। ओके, मतलब एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। यार ये है क्या, न्यूटन में किसको मेज़र किया जाता, फोर्स को। मतलब यहाँ पर ये जो है ये फोर्स का एसआई यूनिट है और फोर्स को कन्वर्ट करके आपको फोर्स की सीजीएस यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होती है वो डाइन होती है। तो आपसे पूछा गया है जैसे कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे ही पूछा गया कि वन न्यूटन में कितने डाइन होंगे, बताइए कि वन न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो वन न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है फोर्स, मगर एक लिखा है लेफ्ट वाला एसआई में और दूसरा वाला है डाइन में। और आपसे बोल रहा है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे। ओके, सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिख लो, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। कौन बताएगा जल्दी बोलो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। MLT की पावर माइनस टू। बिल्कुल सही, MLT की पावर माइनस टू, ये होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें रूल लगेगा। क्या बताया था, N1U1 इक्वल टू N2U2। कहाँ बताया, ये बताया इधर पे ऐसे लिखवाया मैंने, ये देखिए ये रूल लगा हुआ है N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये रूल लगा हुआ है ना। सो गुड आफ्टरनून रिद्धि। सो N1U1 इक्वल्स टू N2U2 का रूल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब लगा रहा हूँ, बड़े आराम से सीखो, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से सीखना, ना बने तो दोबारा पूछना। तो N1U1 इक्वल टू N2U2 लगाते कैसे सर, रूल तो सीख लिया, ठीक है लगाते कैसे, देखो बच्चों N1 मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड मैंने कितना दिया, देखो 1, तो 1 न्यूटन, तो N1 की जगह है 1। और यूनिट मतलब इसकी यूनिट डायमेंशन फार्मूला के टर्म्स में, तो डायमेंशन फार्मूला क्या लिख दो बेटा, MLT की पावर माइनस टू, और क्योंकि फर्स्ट सिस्टम है तो M1 L1 T1 ये लिख दिया, M1 L1 T1 इक्वल्स टू N2 पता नहीं है, यही तो पता करना है। और सेकेंड यूनिट कितनी है, M2 L2 एंड T2 की पावर माइनस टू,
दिस इज सेकेंड यूनिट। सो अब ये बन गया है फॉर्म हमारा बिल्कुल सही, N1U1 = N2U2। N1 कैसे आया, क्योंकि ये दे रखा है 1 न्यूटन, ये देखो खुद ही दे रखा 1 न्यूटन, तो N1 है। N2 पता करना है कि कितने डाइन। अब कैसे सॉल्व करोगे, N2 को रोक लो बस, इधर पे N2 को रोक लीजिए, तो N2 रोक लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 × देखो बच्चों M1 के नीचे क्या आ जाएगा, M2, L1 के नीचे क्या आ जाएगा, L2, और T1 की पावर -2 के नीचे क्या आ जाएगा, T2 की पावर -2। ये आ गया, T1 की पावर -2 की जगह T2 की पावर -2। ओके, अब बहुत अच्छे से समझना बच्चों, देखो जो यूनिट थी वो क्या थी, फोर्स की, MLT की पावर -2। M का मतलब मास, मास को किस में नापा जाता है, SI सिस्टम में, किलोग्राम में। ओके, लेंथ को किस में नापा जाता है बच्चों, मीटर में, और टाइम को किस में नापा जाता है, सेकेंड में। तो आओ इसको बदलो, 1 M1 का मतलब किलोग्राम, L1 का मतलब मीटर, और T1 का मतलब सेकेंड की पावर -2। चलो ये हो गया। सर आपने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यों रखा, क्योंकि बच्चों लेफ्ट साइड वाला कौन सा सिस्टम दिया था, SI सिस्टम, तो लेफ्ट में SI यूनिट है, तो SI यूनिट में क्या चलता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड या मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हो गया। चलो अब मुझे दिमाग लगा करके बताओ, L2 मतलब कि सेकेंड सिस्टम, ये सेकेंड, M2 मतलब सेकेंड वाला, सेकेंड वाले सिस्टम में बताओ मास का यूनिट क्या बनेगा, ग्राम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्राम बनेगा, बिल्कुल सही। लेंथ की यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर, और टाइम की क्या बनेगी, सेकेंड, तो ये बन गई N2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया क्योंकि CGS है ना, सेकेंड वाला जो सिस्टम क्या है, CGS है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकेंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बन गई। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो N2 चलो सॉल्व करें, 1 ठीक है, हाँ, परी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, परी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और नीचे भी सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का इनवर्स पावर 2 और सेकेंड की पावर -2 = N2। तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, मतलब कुल आ गया 5 जीरो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरो आ गए। सो N2, तो बच्चों N2 कितना आ गया है, 10 की पावर 5, 5 जीरो है ना, 10 की पावर 5। तो लियो भाई बन गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 1 न्यूटन में, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया है बच्चों, 10 की पावर 5 डाइन। तो नोट करिए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, नोट करो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर, यस, हाँ, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बच्चों लिखो श्योर फॉर एग्जाम, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना, 1 न्यूटन। और मैंने अभी अभी ग्रुप में लिस्ट डाली है, जितने क्वेश्चन आपके स्कूल में आ चुके हैं उनकी मैंने लिस्ट बना के डाली है, तो वो भी देख लीजिएगा, अभी सब करवाएंगे, चिंता की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स एकदम से समझ में नहीं आती, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वक्त लगेगा सीखने में, बट एट द एंड आपको बनने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करो बच्चों, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, चलो लिखो यहाँ से, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला के बाद लिखिए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू निकालना था, ये आंसर मैंने लिखा है, आप यहाँ पे खाली जगह छोड़ देना। क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन है, ... डाइन, सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। ओके, सो फॉर्मूला लगाइए, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, तो N1 है 1 न्यूटन, तो N1 की जगह 1 रख दो, और यूनिट रख दो, यूनिट मतलब M1 L1 T1, अब वो M1 एक्चुअली किलोग्राम है, L1 है मीटर, और T1 है सेकेंड, तो N2 को साइड में छोड़ो, बाकी सबको नीचे ले आओ, M2 L2 T2, ठीक है, ले गए नीचे। चलो कन्वर्ट कर दो, M1 की जगह किलोग्राम, L1 की जगह मीटर, और T1 की जगह सेकेंड,
एंड एम टू की जगह ग्राम, एल टू की जगह सेंटीमीटर एंड टी टू की जगह सेकेंड। हाँ चलो कन्वर्ट कर लो ग्राम को किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम को ग्राम में। 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, सेकेंड की पावर माइनस टू दोनों कैंसिल। देखिए टोटल आ रहा है 10 की पावर 5, मतलब 5 जीरो बन रहे हैं, 3 जीरो हजार के और 2 जीरो 100 के। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। पूछो भाई किसको समझ में नहीं आया है, पूछो। क्यों भाई प्रिंस, क्रिश, क्रिश समझ में आ गया क्रिश को? यस सर। ठीक है तो ऐसे करना है यार इसके क्वेश्चन, ठीक ना? अभी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं इसके करवाऊंगा। चलो तो ये हो गया, बैक टू द शीट। ये आ गए भाई, देखिए ये है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिख लिया, खैर डिवाइड तो करोगे तो ले दे करके आ गया आंसर बच्चों N2 इक्वल्स टू 10 की पावर 5। डन, इसको डिलीट कर रहा हूँ इस वाली शीट को, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, ERGS, अर्ग्स। 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, सर ये क्या है बेटा? जूल, जूल क्या है? कल बताया था जूल, जूल जो है SI यूनिट ऑफ वर्क है। दिस इज व्हाट, दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की SI यूनिट है। और अर्ग क्या है बच्चों? अर्ग है CGS यूनिट ऑफ वर्क। अगर आपने स्कूल की एक भी क्लास अगर ईमानदारी से पढ़ी है यूनिट डायमेंशन की, तो इस क्वेश्चन के बिना स्कूल टीचर आपको नहीं पढ़ा सकते हैं कि बेटा 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। और अगर ये भी नहीं पढ़ाया आपके स्कूल में, मतलब कुछ नहीं पढ़ाया CGS यूनिट ऑफ वर्क, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, कैसे छोड़ सकते हैं इसको। सो गाइज 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, ठीक है? 11th क्लास को केवल ये सोच के मत पढ़ना कि 11th के लिए पढ़ रहे हो तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। 11th क्लास आपकी पूरी लाइफ है, क्योंकि 11th और 12th जो भी एग्ज़ाम दोगे ना लाइफ का, सब में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी पहली जॉब भी इसी इन दो क्लासेस के बीच में विजय से लगेगी। सो 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, 1 जूल में कितने अर्ग हैं, चलो करके बताओ। सेम कंसेप्ट है, आपको समय दिया 329 है, 3 मिनट आपको दिए मैंने, 3 मिनट में बताओ 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। एक लेफ्ट वाला है SI, राइट वाला है CGS। ठीक है, अब जिसको नहीं बनने वाला है कम से कम वो बच्चा बोले सर नहीं बन रहा। बहुत इजी है, बहुत इजी कर लोगे आप लोग, बस पेन चलाओ, पिछला वाला कंसेप्ट याद रखो, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, आराम से आंसर आ जाएगा। आंचल बन रहा? यस सर। हम्म,
सर n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 7। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है, 10 टू द पावर 7 अर्ग्स आएगा, बिल्कुल सही, n2 इक्वल टू 10 पावर 7। अब देखो भाई क्या करना है इसमें, सर ने बोले सर जूल है, जूल को देखते ही, चलो अर्ग किसी को नहीं पता होगा, पहली बार आपने नाम सुना होगा, सर ये अर्ग क्या है भाई, सो ये अर्ग कुछ नहीं है, ये जूल का ही CGS फॉर्म है। तो जूल क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि सर जूल मतलब वर्क, वर्क की जो यूनिट होती है उसको जूल बोलते हैं। ओके, तो सर हमें आपने जूल दे दी, बट हमें सर उसमें दो ना यूनिट, किलोग्राम वगैरह में, तो मैं बोलूँगा ठीक है इसका डायमेंशन फार्मूला पता कर लो। तो डायमेंशन फार्मूला कौन बताएगा, जो आज होमवर्क करके भेजा है, बताओ भाई डायमेंशन फार्मूला क्या है सर, ML2T की पावर -2। बिल्कुल सही, ML2T की पावर -2, ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, m बोले तो किलोग्राम, l बोले तो मीटर स्क्वायर, t बोले तो सेकेंड की पावर माइनस टू, ये होता है। अब आ जाओ मेरे वाले फार्मूले में, क्या पढ़ाया मैंने, N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 ये वाला सिस्टम क्या है, SI है, ये वाला सिस्टम क्या है, CGS है। N1 कहाँ है, N1 ये है, देखो 1 लिखा है, 1 जूल, जूल को तो या तो आप m की फॉर्म में रखना चाहते हो तो m की फॉर्म में रख लो, और सिंपल कराता हूँ इस बार आप लोग डायरेक्टली यूनिट रखो और मज़ा आएगा। यूनिट क्या है, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर माइनस टू। पिछले बार क्या कर रहा था, ml रख रहा था, बाद में कन्वर्ट कर रहा था, इस बार शुरू से ही कन्वर्ट कर दिया, इधर n2। अब देखो यूनिट, अब यार खुद पता है कि CGS में c का मतलब सेंटीमीटर, g का मतलब ग्राम, तो मास किस में नापा जाएगा, यहाँ पे ग्राम में नापा जाएगा, लेंथ किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में नापी जाएगी, तो kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड की पावर माइनस टू, ये लो भाई, सेकेंड की पावर माइनस टू। क्या निकालना है, n2 को रोक लो, बाकी सबको नीचे आन दो, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ग्राम, आ जाओ ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर माइनस टू। चलो n2 इधर रहने दो, 1 की जगह 1, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, सो हियर इट इज़ ग्राम एंड अपॉन में भी ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, बच के रहना स्क्वायर लगा है, स्क्वायर भी लगाओ और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकेंड तो दोनों के लिए है, तो सेकेंड से सेकेंड माइनस, कैंसिल कर दो इसको। चलो अब देखो n2 और सॉल्व करना पड़ेगा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा ऊपर, 1000, 1 से मल्टीप्लाई कर दो करना है तो, ओके 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बार, एक बार दो बार, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर पे कुछ नहीं बचा, केवल लास्ट में क्या बचा, n2, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, बच्चों 10 की पावर 3, 3 0 1 2 3 4, सो आंसर कितना लिखेंगे, n2 टोटल जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सो 10 टू द पावर 7, तो ये आएगा आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन गारंटी के साथ कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो लिखोगे 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। कहो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया बच्चों, यस सर, नोट कर लो, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं। सो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है ना, 10 की पावर 7, 10 की पावर 5 में होता है 1 लाख, 10 की पावर 6 में 10 लाख, 10 की पावर 7 मतलब 1 करोड़, मतलब 1 जूल में 1 करोड़ अर्घ होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे 1 जूल में 1 करोड़ अर्घ होते हैं, मतलब 1 करोड़ टाइम्स तुम 1 अर्घ लगाओगे तब बनेगा 1 जूल,
चलिए नोट करिए इसको अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। डन, लिख लिया सबने? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आपसे पूछते हैं हम फिर से। बच्चों अभी आपने क्या देखा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10^5 डाइन, ऐसे आ गया। अगर क्वेश्चन आ गया बच्चों कि 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो बताओ कितना लिखोगे? 1 डाइन में हाउ मच न्यूटन? 10^-5। वेरी गुड, 10^-5, बिकॉज जस्ट अपॉन में चला जाएगा। सिमिलरली अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि भैया 1 जूल में होते हैं 10^7 अर्ग। तो अगर आपसे पूछ लिया कि 1 अर्ग में कितने जूल, तो बताओ 1 अर्ग में कितने जूल होंगे? 1/10^7। हाँ तो 1/10^7, तो 10^-7 जूल, तो ऐसा भी लिख लो, है ना। बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, अरे सर ने तो हमें न्यूटन से डाइन बताया था, डाइन से न्यूटन नहीं बताया था। अरे बच्चों ये तो पढ़ते आ रहे हो बचपन से आप कि 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? सो इन 1 ग्राम देयर विल बी 1/1000 किलोग्राम। यस, वेरी सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे 10^ नीचे चला जाएगा। ओके okay, अच्छा जिनको ये भी नहीं बनता है लियो भाई, उनके लिए भी बेटा 10^0 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। सो 10^3 लिख दिया नीचे मैंने, किलोग्राम। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। और 1/10^3 को क्या लिखा जा सकता है? 10^-3, बिकॉज पावर आती ऊपर तो निगेटिव बन जाती है। सो दिस इज़ 10^-3 किलोग्राम, इट विल इक्वल टू 1 ग्राम। सो 1 ग्राम इक्वल्स टू 10^-3 किलोग्राम। ऑल डन, डन। चलो सो अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन मैंने शीट का दे दिया आपको, 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? सो 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी? 10^7 अर्ग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त है भाई अगला क्वेश्चन, तो मजा आने वाला है। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम वेयर मास इज 1 किलोग्राम, वेयर मास इज 1 किलोग्राम, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 5 मिनट्स, एंड टाइम इज 5 मिनट्स, टाइम जो है 5 मिनट है। ओके क्या कह रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल इन अ सिस्टम वेयर मास इज 1 किलोग्राम, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 5 मिनट। चलो करो सॉल्व, कौन बताएगा आंसर? एक ऐसे सिस्टम में आपको 10 जूल की वैल्यू कन्वर्ट करनी है जहाँ पर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, टाइम है 5 मिनट और मास है 1 किलोग्राम। चलो करो उस खुद से कन्वर्ट, फिर मुझे बताओ। रेडी गाइस, जल्दी से दिए 3 मिनट आपको, 343 तक आंसर देने की कोशिश करो। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिद्धि एक ही कंसेप्ट लग रहा है बेटा, N1U1 = N2U2। हाँ बस आपके लिए ये बता दूंगा मैं कि जो जूल का फॉर्मूला होता है ना, वही लगेगा जो अभी पुराना लगा है, ML^T^-2। सो उसी फॉर्मूले को लगा करके आपको सॉल्व करना है।
आई होप क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा. फाइंड द लेंथ ऑफ द 10 जूल इन ए सिस्टम वेयर मास इक्वल्स टू 1 किलोग्राम वेयर मास इक्वल्स टू 1 किलोग्राम लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 5 मिनट. ओके लास्ट मिनट लेफ्ट. डन. ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 जूल इन दैट न्यू यूनिट. ओके टाइम इज ओवर गाइस. ओके लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट. बच्चों बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा हुआ है. देखिए क्या कंसेप्ट दिया गया है. N1U1 equals to N2U2. यहाँ पे क्या है 10 जूल. ओके इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ. देखिए N1 N2 U2. ओके U क्या है भाई जूल दिया ना. जूल का मतलब क्या है वर्क है. ओके वर्क का मतलब ML2T^-2. यस ML2T^-2. अब स्टार्ट में यहाँ पे कितने जूल दिया गया 10 जूल. 10 पहला सिस्टम में सबके सबस्क्रिप्ट 1-1 दे दो जिससे कंफ्यूज ना हो. अगर यदि फिर भी कंफ्यूज हो रहे तो एक काम करो वही ले लो किलोग्राम मीटर और सेकंड का स्क्वायर. चलो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे. तो मैंने लिख दिया M1 L1 T^-2 इक्वल टू N2. मुझे पता करना है सेकेंड में क्या होगा बच्चों M2 L2 T^-2. चलिए सो N2 को साइड में रोक लो. यहाँ पे N2 को रोक लो. यहाँ पे क्या आ गया 10. इधर M1 मतलब किलोग्राम. इधर M2. इधर L1 है. इधर L2 है. इधर T^-2 है. और यहाँ T^-2 है. बस यहीं तक थोड़ी सी आपको करना है. यार मैं इसको पलट के लिखता हूँ. अब देखो बच्चों सो N2 इक्वल्स टू पलट करके लिखूँगा थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा. M1 चलो अगली लाइन कर दूँगा. M1 by M2 L1 by यार एक मिनट ML2 तो मैं भूल ही गया भाई. L के ऊपर भी तो 2 आता है डायमेंशंस में. L1 की पावर 2 upon L2 की पावर 2. ओके ओके एंड T^-2 T^-2. बच्चों बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट. क्लियर है ना एकदम. यस सर. चलो ओके N2 equals to 10. अब देखो बस आराम से बेटा. M1 वाले क्या है ये तो पहला वो है ना पहला वाला तो जूल है ना. 10 जूल बोला था ना तो जूल में क्या चलता है मास को किस में नापा जाता है किलोग्राम में. तो यहाँ किलोग्राम. यहाँ पे क्या होता है मीटर का स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा सेकेंड की पावर माइनस टू. ये फर्स्ट वाला बॉक्स M1. अब देखो अब अपन देखते हैं M2. ध्यान से ये किलोग्राम M2 क्या है. M2 देखो 1 किलोग्राम. ओके 1 किलोग्राम है तो यहाँ पे भी 1 किलोग्राम रख दो. लेंथ कितनी है भाई. लेंथ है 10 सेंटीमीटर. तो जहाँ मीटर स्क्वायर के नीचे इन लोगों ने नई यूनिट बोली है 10 सेंटीमीटर. और इधर पे टाइम क्या है. टाइम इन लोगों ने सेकेंड यूनिट का दे रखा है 5 मिनट. तो यहाँ पे भी 5 मिनट कर दो. बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों. यस सर. ओके
तो देखिए अब हम नई यूनिट बना रहे हैं, एन टू इक्वल्स टू टेन। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। 1 मीटर में कितने, ये सॉरी बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि एल टू का स्क्वायर है। ओके और 5 मिनट का भी पावर में लगाना -2 भूल गया था, वो भी मुझे करना पड़ेगा। चलो बच्चों सॉल्व करता हूँ। एम का स्क्वायर, ऊपर एम है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और एक और खुल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे खुला, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर था ना, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, देखो सेकेंड की पावर -2 ये है 5। बच्चों 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो 5 × 60 सेकेंड की पावर -2 इतना आएगा। और सॉल्व करो इसको, तो n2 = 10, 100 का स्क्वायर 100 × 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2। अब देखो बच्चों यहाँ से, यहाँ पे 5 × 60, 65 कितना होता बच्चों 300, तो 300 की पावर -2 अलग कर दो और सेकेंड की पावर -2 अलग कर दो। चलो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर पावर माइनस टू कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, 10 है 100 है, अपॉन में कितना है 300 की पावर -2। अब इतनी मैथ तो सब लोग जानते होंगे कि ये है 10, ये है 100 और 300 की पावर -2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 300 की पावर +2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 × 300 × 100 × 10। टोटल टोटल जीरो काउंट करो, 2 0 2 0 2 0, 6 1 7, ओके, और 3 3 9, तो आंसर हुआ 9 × 10 की पावर 7। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, 9 9 × 10 की पावर 7 ही लिखा हुआ है ये, तो करेक्ट आंसर आ गया है हमारा 9 × 10 की पावर 7। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज 9 9 × 10 की पावर 7। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई यूनिट क्या थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे मतलब n2 क्या होगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 × 10 की पावर 7। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। n1 u1 = n2 u2, बस वैल्यू शिफ्ट करना है और आराम से स्क्वायर पावर वगैरह डील करने हैं। डन, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पूछो, डाउट पूछने से हिचकिचाओ मत, कोई भी मतलब नहीं होता। आप लोग अपने डाउट दबा के रखते हो, ये बहुत बुरी आदत है। डाउट पूछने से कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं कीजिए। चलो लिख लिया सबने, ठीक है। चलिए तो ये है क्वेश्चन हमारा, सो ये था क्वेश्चन n1 u1 = n2 u2, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने दोबारा कर दिया, एक सेकंड, ये हो गया। चलिए बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल इन अ सिस्टम
इन अ सिस्टम विच हैज़, देखो 20 जूल एक सिस्टम दिया मतलब एन वन की वैल्यू 20 है। अब सेकेंड सिस्टम में इन 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 अ सिस्टम विच हैज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया लैंग्वेज में, डोंट वरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल्स इन अ सिस्टम इन विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर, सेकेंड सिस्टम में लेंथ मास और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो क्या क्या हैं बच्चों, बहुत अच्छे से लिखो। वो क्या क्या है लिखो अच्छे से, 20 सेंटीमीटर ये लेंथ की यूनिट है, 10 किलोग्राम ये मास की यूनिट है, एंड हाफ मिनट ये टाइम की यूनिट है। फिर से बोलूँगा, 20 सेंटीमीटर, 10 किलोग्राम एंड हाफ मिनट। सो फंडामेंटल यूनिट चेंज होकर के 20 सेंटीमीटर, 10 किलोग्राम एंड हाफ यूनिट, हाफ मिनट कन्वर्ट कर दी गई हैं। आप बताइए एन टू की वैल्यू क्या होगी। तो 20 जूल उस समय नया मैग्नीट्यूड क्या लेके प्रेजेंट होगा बताइए, स्टार्ट कीजिए जल्दी बताओ भाई। 5 मिनट से ज़्यादा का समय मत लो प्लीज़, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहे हो मतलब गड़बड़ बात है। सर एन टू इक्वल्स टू 9 × 10³। कितना बेटा फिर से बोलिए, एन टू इक्वल्स टू 9 × 10³। 9 × 10³। लेट्स चेक योर आंसर, बेटा गलत है आपका आंसर। एन टू इक्वल टू 9 × 10³ नहीं आ रहा। चलो वेल ट्राई, ट्राई करना बहुत बड़ी बात होती है, वो अच्छी बात है। ओके, गलत सही एक अलग चीज। एनी मोर गेस, कोई और आंसर? कोई और आंसर प्लीज किसी बच्चे का? परी जल्दी बोलो आंसर। शिक्षा, अक्षत कहाँ हो? अक्षत आज तो हाइबरनेट हो गए एकदम। प्रिंस? यस सर, बस अभी कर रहा। अक्षत, हाँ बेटा हमें पता है तुम्हारा माइक खराब है।
चलिए छोड़िए, देखिए अभी इधर आइए सब लोग, स्क्रीन पे आइए। क्या गलती हुई है, मैं क्या गेस कर सकता हूँ? हाफ मिनट को, हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 30 सेकंड। तो जितने लोगों ने हाफ मिनट को 30 सेकंड नहीं लिखा है वो गलती है एक। ओके, हाफ मिनट इक्वल टू 30 सेकंड होता है तो वो गलती है एक, और बाकी तो कोई गलती जैसा कुछ माहौल मेरे को लग नहीं रहा है। चलो आ जाओ भाई, फिजिकल क्वांटिटी है वर्क की, डायमेंशन फार्मूला बेटा सुधार लो। यहाँ पे M1 होता है, M1L2T^-2, बिल्कुल सही, ML2T^-2। फार्मूला N1U1 = N2U2, N1 M1L1T^-2 एंड N2 M2L2T^-2। N1 कितना दिया बच्चों? 20। मास 1 कितना किलोग्राम, L होती इस मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में, और टाइम किस में होता? सेकंड में। सर जी क्यों? अरे एसआई सिस्टम है भाई, इधर तो होगा ही। N2 आ जाओ, मास कितना दे रखा सर जी ने दूसरे सिस्टम में? मास दे रखा है 10 किलोग्राम। तो हमारे कुछ दोस्त तो खुशी के मारे मास की जगह लेंथ चढ़ा के आ गए होंगे, क्योंकि पहला हमने लेंथ दिखाया था, लेंथ 20 सेंटीमीटर, जबकि मास दिया है 10, तो वहाँ पे आएगा मास, है ना? तो मास कितना कर दिया? 10 किलोग्राम। लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर^2 है तो स्क्वायर हो गया, और 1/2 मिनट यानी यार 30 सेकेंड लिख दो सीधे, काय को परेशान होना। 1/2 मिनट यानी बाद में 30 सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो N2 = 20 इधर जाएगा। देखो अब इसके बाद मैं सॉल्व कर दूँ क्या? N1U1 = N2U2। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। लियो भाई, N1U1 = N2U2, N1 कितना है? 20। U1 मतलब कि M1L1 2T^-2, N2 पता नहीं, और ये है M2L2^2T^-2। तो इसके नीचे आ जाएगा, N2 बैठे रहो तुम यहीं पर, 20 क्या हो जाएगा? M1/L1/L2^-2T^-2। ये हो गया, दिस इज वॉट, दिस इज N2। चलो यूनिट रखने का समय आ चुका है। ऊपर वाला क्या है? SI, SI मतलब 1 किलोग्राम। नीचे इधर है L1^-2 है ना, अरे 2 है भाई, हाँ power 2। ऊपर कितनी होती है? 1 मीटर, और यहाँ क्या होता है? 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम। दूसरे यूनिट में किस में गया है? आई थिंक 10 किलोग्राम में गया, बिल्कुल सही 10 किलोग्राम। 1 मीटर किस में गया है सेकेंड यूनिट में? 1 मीटर गया है 20 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 20 रख दो बच्चों, दिस इज 20 सेंटीमीटर। और 1 सेकेंड किस में गया है? हाफ मिनट में गया है, बड़े आराम से करो, power-2 N2। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, power 1, बहुत बढ़िया, तो 20 केवल बचा 1/10। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है? 20 सेंटीमीटर, power 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 20 से कितने बार जाएगा? 100, 5 बार, तो 25 × 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड^-2। अब बच्चों हाफ मिनट में कितने सेकेंड होंगे? हाफ, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो कट गया, तो कितना बचा? 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 30 सेकेंड^-2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। ओके, तो 20 से 2 बार कट गया तो 2 हो गया, तो 2 और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/30^2। चलो ध्यान से देखो, तो 2 × 25 मल्टीप्लाइड बाई 30^-2, मतलब ऊपर हो जाएगा 30 × 30। ओके, तो कितना हो गया ये? 25 × 2 = 50, और 30 × 30 कितना? 900, 900 × 5 = 45,000, 45,000 इज द आंसर। लेट्स चेक, यस बिल्कुल सही है मेरा आंसर, मुझे मिलेंगे
4 out of 4 इन योर एग्ज़ाम। ओके, सो नोट करिए बच्चों इस तरीके से 45,000। अब अपनी अपनी मिस्टेक पता कीजिए कि आपने कहाँ गलतियाँ करी। सर मेरा लास्ट का 2 बचा था, वो मैं डिवाइड करना भूल गई थी, इसलिए ओके 90,000। चलिए ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इसको। तो सभी बच्चों को आई होप मैंने बहुत आराम से आज पढ़ाया है, बहुत टाइम देके क्लियर कराया है और सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। और अब आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक लेना व्यर्थ है, लेना पड़ेगा, स्कूल वाले कहेंगे लेने के लिए, बट एनसीईआरटी बुक आप पढ़ने बैठेंगे तो केवल आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी, डिसकॉन्फिडेंट। उसमें केवल आपको अच्छा नहीं लगेगा, फील नहीं होगा, डिप्रेशन में जाओगे। एनसीईआरटी बुक बच्चों अच्छी है बट बहुत कंसेप्टफुल है, वो जब मैं करा दूंगा तभी आपको सीखने में आएगी, इसलिए एनसीईआरटी बुक से मैं कहूँगा अभी आप लोग स्टार्ट करिएगा। केवल एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल लगाना, थ्योरी मत पढ़ना। थ्योरी पढ़ोगे तो लगेगा हे भगवान हमसे तो कुछ नहीं बनता। तो मैं जो नोट्स दे रहा हूँ आपको वो लगाइए, रिफ्रेशर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ परचेज मत कीजिए, केवल मेरे नोट्स लगाओ, इनफ। डन, लिख लिया 45,000। यस सर, डन। चलो तो बढ़िया, अभी इसके नोट्स मैं भेज दूंगा आपको, तो 45,000। चलो एक हो जाए होमवर्क क्वेश्चन, लिखो भाई होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 जूल पर मिनट। ओहो, देख रहे हो आपको परेशान करने का तरीका, 90 जूल पर मिनट मतलब ऊपर है जूल और नीचे है मिनट, जूल पर मिनट। अब बच्चे लोग इतना तो जानते होंगे, जूल किस में नापा जाता है, वर्क में, मिनट क्या है, टाइम, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। मतलब ये जो क्वेश्चन है किसके फॉर्मूले से सॉल्व होगा, पावर के डायमेंशन फॉर्मूले से, जो कि होता है ML2T^-3। इससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो लिख लेना जूल पर मिनट मतलब पावर के डायमेंशन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख लो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, पावर माइनस थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 जूल पर मिनट इन अ सिस्टम विच हैज, इन अ सिस्टम विच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। तो आपको 90 जूल पर मिनट को उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास की यूनिट है 100 ग्राम, लेंथ की यूनिट है 100 सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट है 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो चलिए बच्चों लोग, आप लोग ये क्वेश्चन कल मुझे करके दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है। ओके, तो आज हमने पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो था कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन था, कल हम लोग दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।